Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ के ग्राम पेपला में एक प्रेमी युगल को गोली मार दी गई। दोनों एक ही कमरे में खून से लथपथ मिले हैं। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि युवती की सुभारती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। माना जा रहा है कि ऑनर किलिंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि यह हत्या है अथवा युवक ने युवती के सीने में गोली मारकर खुद कनपट्टी पर गोली मार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। युवक का नाम शुभम पुत्र देवेंद्र जबकि युवती का नाम साक्षी है। दोनों की उम्र 19 साल बताई गई है। यह वारदात युवती के घर में हुई है। युवक के परिजनों का आरोप है कि शुभम की घर बुलाकर हत्या की गई है, जबकि ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों को कमरे में एक साथ देख लेने पर युवती के परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस बारे में मौके पर मौजूद SSP रोहित सजवाण ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। थाना जानी के अंतर्गत पेपला गांव पड़ता है। यहाँ पर एक युवती का जो घर है, इस घर के अंदर मोबाइल ऊपर करना एक युवक का गोली लगा हुआ शव मिला था। युवती के जो परिजन है, जब उन्होंने के द्वारा कहा गया जब घर पे है, तो युवक का जो शव है वो वहाँ एक कमरे में पड़ा हुआ था। साथ साथ जो युवती है उसकी भी सीने में गोली लगी हुई थी। युवती के जो परिजन है, वो युवती उस वक्त तक उनके द्वारा कहा गया कि जिंदा थी, तो उसको लेकर सुभारती हॉस्पिटल गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से जो युवती के घर पे ये घटना घटित हुई है, और इसमें अलग अलग तरह के तथ्य इसमें निकल के आ रहे हैं। इसमें पुलिस की हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुँच रही है, और इसके आधार पर पता चल पाएगा कि ये घटना किस तरह से हुई है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसमें हैंड वॉश और GSR टेस्ट भी करने जा रहे हैं, जिससे कि पता चल पाए गोली किसके हाथ से चली है। साथ ही साथ इसमें जो युवक जो युवती के जो पिता हैं उसको हमने पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया है। साथ ही साथ जो युवती के जो छोटे भाई हैं उसको भी पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, और जो युवक है उसके घर वालों से भी बातचीत की जा रही है। और अभी फॉरेंसिक टेस्ट हम जो करेंगे उसके आधार पर ही आगे को जो चीज़ें वो निकल के आएंगी, उसके आधार पर आपको चीज़ बता पाऊँ। सर, लड़की के गोली किस जगह लगी और लड़के जो युवती है उसके सीने में गोली लगी है, जो युवक है उसकी कनपट्टी में गोली लगी है। तो इसमें फॉरेंसिक टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जिससे पता चल पाए गोली किस तरह से जरूर पूरी आशंका है कि घर वालों ने ही ऑनर कर लिया। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अभी हम फॉरेंसिक टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो युवक है उसकी कनपट्टी में गोली लगी है और युवती के सीने में गोली लगी है। और जो आसपास भीड़ थी उनके द्वारा बताया कि जो युवती के जो घर वाले हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे बाद में। तो सारी अभी हम परिस्थिति जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देख रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बताते हैं। सर, उम्र क्या रही होगी लड़कों की? ये 19 साल के आसपास दोनों की उम्र। सर, दोनों एक ही समुदाय के हैं? दोनों एक ही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।